पापा, चार्ली, ये वही लोग हैं। तुम्हें लेने आए हैं। चलो 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 चलो। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? झूठे वाला कारिया से बाजू उठा। हम इसे लेने आए हैं। रुको रुको, संभालो। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे पापा, अरे अरे मेरी बेटी को छोड़ दो। पापा मेरी बेटी को छोड़ दो। इसे लेके घर जाइए। भैया आप भी घर चलो ना। हाँ बेटा, चलो घर चलते हैं। नहीं मामा, देखिए मैं पहले से बहुत उलझा हूँ। मैं आम लोगों की तरह साधारण जिंदगी नहीं जी सकता। अगर कोई परेशानी हो तो फोन करना। अरे आओ ना। अरे क्या हुआ? अरे कुछ बताओ ना। ना माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैठो। क्या बोलना है बोलो। पापा मैं आप दोनों से कुछ साफ साफ बोलना चाहती हूँ। क्या साफ साफ बोलना चाहती हो? आज जो हम लोगों के साथ हुआ, अगर अंधु भैया नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। आप ये मानते हैं ना? हाँ मानता हूँ। आपकी बेटी की शादी है आज, दूल्हे को लेकर आया हूँ। रुको, मेरे भाई भीखू बाबू के साथ आपकी बेटी की शादी होगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? अंकल, मेरा भाई बहुत ही खराब आदमी है। इसके पहले 3 शादियाँ की हैं, लेकिन एक के साथ भी उसकी नहीं निभी। वो सब इसे छोड़कर चली गई। बेचारे की उम्र ही क्या है, अकेले क्या रह पाएगा। भाई के नाते मुझे बहुत दुख होता है। अब इसकी शादी करके ही कुछ और काम करूँगा। सब्जी में जैसे नमक का टेस्ट करने के लिए चक्कर देखते हैं ना, वैसे ही मेरा भाई भी आपकी बेटी को चखेगा। अंदर जाओ। चलिए अंदर, चलिए चलिए। अरे अरे अरे, अरे रुको। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, अरे मेरी बात सुनो। कहाँ? अरे रुक जाओ रुक जाओ, ये क्या जबरदस्ती है? अरे छोड़ो मुझे। अरे ये सब क्या है? कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे अरे क्या कर रहे हैं? मैं समझता हूँ। अरे मेरी बात सुनो। भाई काम हो गया भाई। बहुत नखरे कर रही थी लेकिन मैंने सेटल कर दिया। थोड़ी तकलीफ हुई लेकिन सब कंप्लीट। अब मुझे शांति मिली, शांति मिली। इलेक्शन अगर हार भी गया तो
कोई दुख नहीं होगा। मेरे भाई के दिल को शांति मिल गई ना, इसमें ही मेरी भी शांति है। अब देख, भाई बजाओ, बजाओ, बजाओ। हेलो, बोलिए मामा। वीर, वीर। मामा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। आप रोइए मत मामा, मैं अभी के अभी आता हूँ। मीरान, मामा के साथ कुछ तो हुआ है, मैं उनके घर से होके आता हूँ। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? अरे नहीं, तुम दुकान देखो, मैं आता हूँ। ये चिट्ठी मुझे उसके हाथ से मिली है, ये तुम्हारे लिए लिखी है। खुद को फांसी लगा के मर गई ना। तूने बहुत कुछ सहा है ना, बहुत कुछ बुरा सह के गई है तू। ऊपर वाले, पता है चिट्ठी में क्या लिखा है? ये चिट्ठी चीख चीख के कह रही है कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी और लड़की के साथ मत होने देना। मामा, इस दुनिया में पता नहीं कितनी सोनिया रोज जान गवा देती है, इसका कोई हिसाब नहीं है मामा। चुप हो जाइए मामी, बेटियां कितनी लाचार होती हैं, वो अपनी हिफाजत नहीं कर पाती। लेकिन एक बात है, उसकी तो शादी नहीं होती। हाँ, इसीलिए डर और शर्म के मारे वो फांसी लगा के मर गई। ठीक किया उसने, बिल्कुल ठीक किया, ठीक किया उसने। ये समाज जो हमारा बनाया हुआ है उसमें वो मुंह नहीं दिखा सकती थी। उसने सही किया मामा, उसने उसने सही किया मामा, सही किया उसने। माफ कर दे मुझे। इसी रस्सी से फंदा लगाया था ना, इसको आखिरी विदाई मत देना मामा। फांसी लगा के मरने वाले का जनाजा नहीं उठता, हम मामा भांजा मिलके उसका जनाजा उठाएंगे। लेकिन लेकिन उससे पहले मैं इसकी मौत का इंतकाम लूंगा। कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, इज्जत का सवाल है मामा, इज्जत का। रो मत मामी, रो मत। कितना भी वक्त लग जाए मैं वापस आऊंगा और इसको कांधा दूंगा। मैं आऊंगा जरूर, मैं वापस आऊंगा मामा, मैं वापस आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा।